नमस्ते भारत, भारत न्यूज़ 24 और पटना में बहुत बड़ा एग्जीबिशन, आर्ट एग्जीबिशन को लगाया गया बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी राजस्थान के द्वारा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, एचओडी सर हैं, मनोरंजन सर से बात करेंगे कि यह जो आर्ट एग्जीबिशन, समझे कि राजस्थान से आप यहाँ पे आए हैं सर, यहाँ पे एग्जीबिशन लगाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? बिहार में भी बहुत सारे स्कूल्स हैं, वहाँ की पेरेंट्स और गार्जियन और स्कूल के जो टीचर्स हैं, डायरेक्टर, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यहाँ से ये बताना चाहता हूँ कि आज तक जितनी भी आर्ट गैलरीज लगाई जाती हैं वो प्रोफेशनल्स लगाया करते थे, प्रोफेशनल आर्टिस्ट लगाया करते हैं, लेकिन ये हम लोगों ने प्रयास शुरू किया है कि जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, जो 5th क्लास से लेकर 12th क्लास तक जितने भी आर्ट वर्क करते हैं, इन आर्ट वर्क को सामाजिक तौर पे लोगों का एक रुझान क्रिएट करने के लिए कि वो आएं और इस आर्ट एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करें, देखें कि हमारे बच्चे स्कूल में क्या क्या करते हैं। एक मैच्योर और बैलेंस पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए बच्चों को आर्ट कराना बहुत ज़रूरी है। आज के, स्पेशली आज के टाइम जहां बच्चे को हम मशीन बना दिए हैं, इस मशीन के अंदर हम चाहते हैं कि बच्चा IIT करे और डॉक्टर बने, MBBS करे, लेकिन इन सबके दरमियान, इन सब चीज़ों के लिए आर्ट का माध्यम, जैसे कि स्कल्पचर करना है, चित्रकला है, मूर्तिकला है, तो इन सब चीज़ों को हम धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में हम चाहते हैं कि बच्चों को एक कंप्लीट बैलेंस पर्सनालिटी बनाने के लिए, उनके इमोशंस, उनके फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए इन माध्यमों का पूरा पूरा सहारा लिया जाए। मैं मनोरंजन कुमार, HOD साइंस, लेक्चरर फिजिक्स, बिरला पब्लिक स्कूल, पिलानी। आर्ट एंड एग्जीबिशन किसके द्वारा? तो बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी के द्वारा यहाँ पे लगाया गया लीलावती होटल में, और हमारे खास बात हो रही थी मनोरंजन सर से, उन्होंने सीधा दिखाया कि बच्चे के हुनर, क्लास 5 से लेकर के बच्चे यहाँ पे क्या है कि क्राफ्ट को दिखाए हैं, और ज़्यादा कुछ आप वीडियो के माध्यम से जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। खबरों के साथ बने रहे, कुमार हसन, भारत न्यूज़ 24।